हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये डबल कलर का डिज़ाइन। इसको आप मल्टी कलर में भी डाल सकते हैं, कि ये कार्डिगन में भी आप इसको बना सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, सिर्फ दो सिलाई में ये डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। इस कलर से हमें दो सिलाई में ये डिज़ाइन बनाना है, और ये वाले कलर से दो सिलाई बीच बीच में सादी बनानी है, एक सीधी एक उल्टी में। और बहुत इजी है, इसे बिगनर्स भी आराम से बना सकते हैं, और बनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। मल्टी कलर में बनाने के लिए आप ये हर बार इसमें अलग कलर से लाइन बनाएंगे, जिस भी कलर से आप बनाना चाहें। फिलहाल मैं इसको डबल कलर में बना रही हूँ। 5 के मल्टीपल फंदे हमें इसमें डालने हैं। से यहाँ ये 5-5 करके इस तरह से 5 के मल्टीपल फंदे आप इसमें डालेंगे। मैंने यहाँ 20 फंदे डाल के ये रखे हैं। उसके बाद आप बॉर्डर कर लेंगे, जिस भी डिज़ाइन का आप बॉर्डर कर रहे हैं। और पहली ही सिलाई से जब आप डिज़ाइन शुरू करेंगे तो आप दूसरा कलर लगा लेंगे, और उल्टी सिलाई से हम इस डिज़ाइन को शुरू करेंगे। अगर आप इसको सीधी सिलाई से शुरू करना चाहें तो फिर आप सीधा बुनेंगे शुरुआत, पहली सिलाई इस तरह से। मैं उल्टी सिलाई से शुरू कर रही हूँ, तो मैं इसको उल्टा बुनूंगी। 5 फंदे हमें इस कलर से बनाने हैं। निटिंग ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 2 फंदे बिना बुने लेंगे, 1 फंदा बुनेंगे, फिर 2 फंदे बिना बुने लेंगे। 5 फंदे ये हो गए हमारे, 5 फंदे ये हो गए। उसके बाद फिर 5 फंदे, ये हम बुन लेंगे। 2 फंदे बिना बुने लेंगे, 1 फंदा बुनेंगे और 2 फंदे बिना बुने लेंगे। इस तरह से करते हुए हमें ये सिलाई कंप्लीट करनी होगी। सीधी सिलाई पर आएंगे, जो बिना बुने फंदे लिए हैं उनको हम बिना बुना लेंगे, धागा आगे लेंगे, और जो ये फंदा हमने बुना था उसको हम उल्टा बुन लेंगे। ये हमारी सीधी सिलाई है। धागा पीछे लेंगे, 2 फंदे बिना बुने ले लेंगे, धागा आगे लेंगे, और 5 फंदे हम बुन लेंगे। इसे धागा पीछे लेंगे, 2 फंदे बिना बुने लेंगे, धागा आगे लेंगे, 1 फंदा बुनेंगे, धागा पीछे लेंगे, 2 फंदे बिना बुने लेंगे, और 5 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। ये हो गई हमारी 2 सिलाई, ये डिज़ाइन की हैं। अब हम अगली 2 सिलाई जो बुनेंगे वो हम अपने मेन कलर से बुनेंगे, ये वाले कलर से। इसमें हमें कोई भी फंदा बिना बुना नहीं लेना है, कोई सीधा उल्टा नहीं करना है, सिर्फ उल्टी तरफ से हमें उल्टी सिलाई बुननी है और सीधी तरफ से सीधी सिलाई बुननी है। ये हम उल्टी साइड हैं, तो हम ये वाली सिलाई उल्टी बुन रहे हैं। इसमें सारे फंदे आपको बुनने हैं, जो बुने थे वो भी बुनने हैं, और जो बिना बुने थे लिए थे हमने वो भी बुनने हैं। ये एक सिलाई हो गई, अभी हम एक सिलाई और करेंगे। ये सीधी बुनेंगे, ये सीधी सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम फिर से यही डिज़ाइन रिपीट करेंगे, लेकिन इस बार हमें इन फंदों पर नहीं, इन फंदों पर ये वाले 5 फंदे बुनेंगे। ये हमारी 2 सिलाई हो गई। अब हम इसकी अगली सिलाई पर आएंगे। यहाँ हमें ये वाले कलर से बुनना है। अगर आप इसको मल्टी कलर से बना रहे हैं तो यहाँ से आप दूसरा कलर लगाएंगे, यानी कि तीसरा कलर लगाएंगे, लेकिन हम यहाँ इसको डबल कलर से ही बना रहे हैं, तो हम ये वाले कलर से बुनेंगे। आप देखेंगे ये वाले 5 फंदे मैंने पहले बुने इस कलर से, लेकिन अब की बार ये वाले 5 फंदे हमें करने हैं, 2 बिना बुने लेने हैं, 1 बुनना है और 2 बिना बुने लेने हैं। ये वाले फंदे जो हमने 5 के 5 बुने थे उनमें आपके ये वाला डिज़ाइन आ जाएगा, और जहाँ ये वाला डिज़ाइन बनाया था वो 5 फंदे हम पूरे बुनेंगे।
ये 5 फंदे बुन लिए, 2 फंदे बिना बुने लेंगे, 1 फंदा बुनेंगे, फिर से 2 फंदे बिना बुने लेंगे और 5 फंदे बुन लेंगे। अब ये इस पे डिजाइन आ जाएगा, यहाँ हम बुनेंगे इसको। धागा पीछे लेंगे, 5 फंदे जो बुने थे वो बुन लिए, जो बिना बुने लिए थे वो ऐसे ही ले लेंगे, फिर धागा आगे लेंगे, 1 फंदा बुनेंगे, धागा पीछे लेंगे, 2 फंदे बिना बुने लेंगे, फिर से धागा आगे लेंगे, 2 फंदे बिना बुने लेंगे, धागा आगे लेके 1 फंदा बुन देंगे, धागा पीछे लेंगे और ये 2 फंदे बिना बुने लेंगे। ये देखिए ये डिजाइन आना शुरू हो गया। अब हम फिर इस सलाई से, इस वाले धागे से बुनेंगे और हम ये पूरी सलाई उल्टी बुनेंगे और उसके बाद एक सलाई पूरी सीधी बुनेंगे। ये देखिए 2 सलाई हमने सीधी बना ली। अब फिर हम वही रिपीट करेंगे जो हमने पहली सलाई में किया था। 5 फंदे हम पहले बुनेंगे, दो फंदे बिना बुने लेंगे, 1 फंदा बुनेंगे, 2 फंदे बिना बुने लेंगे, 1 फंदे, अब ये 5 फंदे बुनेंगे। फिर 2 फंदे बिना बुने लेंगे, 1 फंदा बुनेंगे और 2 फंदे बिना बुने लेंगे। इस तरह से हम इस डिजाइन को रिपीट करते जाएंगे। अब सीधी सिलाई में हमें वही करना है कि ये फंदा सब उल्टे बुनने हैं धागा आगे लेके, और जो बिना बुने फंदे हैं उनको बिना बुने लेंगे और फिर ये वाले कलर से 2 सिलाई बुनेंगे। इसी तरह से हमें ये डिजाइन रिपीट करते जाना है। तो आप देखेंगे कि इस तरह से बहुत ही आसानी से इतना अच्छा सा डिजाइन बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।